एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप क्या सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे फेस पे ज्यादा डार्क सर्कल और पिंपल्स हो गया है। मैं सोच रही थी कि मैं फेशियल करूंगी घर पे, तो फेशियल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी लोटस हर्बल्स रेडियंट गोल्ड फेशियल किट। तो इसको मैंने 285 में परचेज किया था फ्रेंड्स, और ये 4 स्टेप में आप कर सकते हो। इसका 4 स्टेप आता है फ्रेंड्स। स्टेप 1 में आप क्लीन स्क्रब, स्टेप 2 में एक्टिवेटर, स्टेप 3 में मसाज क्रीम, स्टेप 4 में मास्क। तो अभी फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप में करूंगी क्लींजिंग एंड स्क्रब, ऑल स्किन टाइप के लिए ये है। तो अभी मैं फर्स्ट स्टेप करती हूँ, आपको मैं दिखा रही हूँ कैसा आता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लींजिंग स्क्रब को अपने फेस एंड नेक में सर्कुलर मोमेंट्स में अप्लाई करो, देन ड्राई होने के बाद एक मॉइस्ट कॉटन में उसको रिमूव करो। तो फ्रेंड्स, अभी क्लींजिंग स्क्रब मेरा ड्राई हो गया है, और अभी मेरे को एक कर्टन में उसको पोंछ लेना है। कर्टन के हेल्प से अभी मैं उसको पोंछ लूंगी। फ्रेंड्स, सी हाँ, स्किन कितना ग्लो हो गया है, एंड सब सब लग रहा है मेरा स्किन। और नेक भी मेरा ग्लो हो गया है फर्स्ट स्टेप में, देखो। वार करता है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करो। एंड अभी फ्रेंड्स मैं सेकेंड स्टेप यूज करूंगी एक्टिवेटर। तो फ्रेंड्स, इसको हम 5 से 7 ड्रॉप्स ऑफ एक्टिवेटर अप्लाई ऑन द फेस एंड मैसेज फॉर 2-3 मिनट्स विदाउट वाइपिंग, फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। और इसको हम अप्लाई करके कटन में उसको पोंछना मत, बिकॉज पोंछना नहीं है, एक्टिवेटर को ऐसे ही फेस में रखना है, देन आपको 3rd स्टेप करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं 2nd स्टेप कर रही हूँ। रहने के लिए 2-3 मिनट छोड़ देती हूँ, और आफ्टर ड्राई फिर आपको इसको पोंछना नहीं है, देन हमको 3rd स्टेप करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा स्किन ड्राई हो गया है, और मैंने उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए। एंड मैं अभी फ्रेंड्स 3rd स्टेप मसाज क्रीम, और ये सब ऑल स्किन टाइप के लिए है। अप्लाई मसाज क्रीम एंड जेंटली मसाज ऑल ओवर फेस नेक इन सर्कुलर मोशन। Reapply frequently, continue massage for around 10 or 15 minutes के लिए आपको सर्कुलर मोशन पे रीअप्लाई करके कंटिन्यू मसाज करना है, देन आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। रिमूव क्रीम इफ एनी विथ डैम्प कॉटन, देन आपको एक कॉटन के हेल्प से उसको पोंछना है। तो अभी मैं 3rd स्टेप करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं करूंगी 3rd स्टेप।
सुपर फ्रेंड्स सुपर तो फ्रेंड्स फोर स्टेप अभी मैं करूंगी और फोर स्टेप है मास्क एंड अप्लाई ए जेनेरियस अमाउंट ऑफ द मास्क ऑन द फेस एंड नेक आफ्टर द मास्क ड्राइज राइंस आफ्टर द मास्क ड्राइज राइंस थ्रोली और रिमूव विथ मोशन कॉटन पैड ड्राई. तो इसको भी हमको इस मास्क को अप्लाई करना है देन उसको ड्राई होने के बाद कॉटन में उसको पोंछ लेना है. ओके फ्रेंड्स अभी मैं फोर्थ स्टेप करके आपको पूरा फाइनल रिजल्ट्स दिखाऊंगी.